हेलो गाइस, इट्स जोवन एंड यू नो व्हाट टाइम इट इज। इट्स क्यू एन ए टाइम। हाँ यार, तुम लोग सपना नहीं देख रहे, क्यू एन ए आ चुका है यार। सबसे पहले मैं तुम लोगों को 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू कहना चाहूँगा। एंड मैंने माइनक्राफ्ट यूट्यूबर्स की तरह एक रोलर कोस्टर बनाया है। एंड अभी हमारे क्यू एन ए में 4 चांद लगने वाले। चलो बिना बकवास करे इस क्यू एन ए को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हमारे क्यू एन ए का सबसे पहला क्वेश्चन बहुत अजीब है। यही देखो, निकोलस अंकल ने ये पूछा है, क्या ये भाई फ्रेंच लैंग्वेज है पूरी? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, गूगल से ही पूछता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने मोबाइल ला लिया अपना दूसरा। हे गूगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोई एंक्रैक दो अल्बिडो ऐसा पाए ताओ बाओ अपस्तो कोई A few moments later. ऐसा पाए ताओ बाओ अपस्तो कोई ऐसा पाए जैदा से एमएस 2000 years later. ताओ बाओ अपस्तो कोई फ्लेन लेन निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में निकल। एंड चलो अभी सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं। एंड अभी सेकंड क्वेश्चन है ये, ओ भाई साहब, तुम लोग कौन सी लैंग्वेज लिखती है भाई, क्यों लिखते हो ये सब लैंग्वेज? मैं इसका कुछ रिप्लाई नहीं देता हूँ, अभी सीधा थर्ड क्वेश्चन के पास। एंड अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन ब्लैक माफिया स्क्वाड पूछते हैं, एंड वो पूछते हैं कि ब्रो योर इंस्पिरेशन। मेरी इंस्पिरेशन कोई एक यूट्यूबर नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर्स मिला के मैं एक बनाऊ, मतलब तुम लोग समझ सकते हो क्या बोलना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स के अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेके मैं बनाऊ अब तुम। सो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्लोरा बीन बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। वो पहला क्वेश्चन है, आपका रियल नेम क्या है? तो मेरा रियल नेम खान साबिक समीर है। सेकंड क्वेश्चन है, आप कितने साल के हो? तो मैं 12 इयर्स ओल्ड हूँ। एंड अभी क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि क्या आपके मम्मी पापा आपके साथ है? एंड हाँ, इसका आंसर यस है। मैं मुझे सपोर्ट मिलता है मेरे पेरेंट्स के तरफ से, क्योंकि मैं पढ़ाई भी साथ में कर रहा हूँ। अगर मैं पढ़ाई नहीं सही करूँगा तो ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं दोनों साथ में कर रहा हूँ। एंड अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस रिवील का। फेस रिवील तो भाई 1000 सब्स में ही करने वाला था, लेकिन भाई कुछ अच्छा नहीं लग रहा कि मुझे 1000 सब्स इतने जल्दी नहीं करने वाला, इसलिए मैं थोड़ा सोच समझ के। और आगे का क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है, एंड वो पूछा है बूम गेमिंग ने। एंड वो उनका पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू गेट दिस चैनल नेम? तो मैं तुम लोगों को बता दूं, जब भी मैं पबजी खेलता था, माइनक्राफ्ट नहीं खेलता था, तभी हमारी क्लैन थी एक, उसका नाम एस्टेक क्लैन था। तो मैंने एस्टेक के आगे गेमर्स लगा दिया, इसके वजह से एस्टेक गेमर्स का नाम बन गया। एंड बाकी के जो दो क्वेश्चन है फेस रिवील एंड एज का, मैंने दोनों बता दिया है तुम लोगों को। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछते हैं मनवीर खेरा, एंड वो पूछते हैं तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है? और तुम लोग भी ये भी सोचते होंगे कि मेरे पास पीसी है, क्योंकि मैं सेटिंग्स करता हूँ एकदम खतरनाक जावा एडिशन की, जिससे तुम लोगों को पता भी नहीं चलता होगा कि मैं पीसी में खेलता हूँ या मोबाइल में। लेकिन इसका आंसर, मैं मोबाइल में ही खेलता हूँ, एंड मेरे फ़ोन का नाम वीवो Y53 है। एंड इसके तुम लोग स्पेक्स देख सकते हो, कुछ ये सब है। एंड ये मोबाइल इंडिया में 2017 में लॉन्च हुआ था, मतलब ये बहुत ओल्ड हो चुका है। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ब्रूटल निंजा गेमिंग पूछते हैं, कौन सा वर्जन खेलते हो, जावा या पॉकेट एडिशन? तो इसका आंसर मैं पॉकेट एडिशन में खेलता हूँ, एंड मैंने जावा की सेटिंग्स कर रखी है, जिससे किसी को भी नहीं पता चलता है कि मैं पॉकेट एडिशन में खेल रहा हूँ। एंड जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, मेरा कंट्रोल था हाई टेबल। सो गाइस, अभी मैं क्यू एन ए एडिट ही कर रहा था, तभी मुझे एक बंदे का नोटिफिकेशन आता है, मिस्टर एलियन नाम रख के। वाह भाई, क्या नाम है! एंड अभी इसके क्वेश्चन भी देख देते, वियर्ड नहीं है। एंड अभी वो है, पहला है क्वेश्चन, तुम्हारे 1K सब्स होने कितना टाइम लगा था? एंड उसका आंसर मुझे 1 मंथ तो लगा था। एंड अभी मिस्टर एलियन का सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी स्टैंडर्ड में हो? तो उसका आंसर, मैं 7th में लॉकडाउन की वजह से पास हो चुका, एंड अभी मैं 8th में आ चुका। एंड अभी मिस्टर एलियन का थर्ड क्वेश्चन, कहाँ पे रहते हो? तो मैं इसका आंसर बता दूँ, मिस्टर एलियन की तरह मैं स्पेस में नहीं रहता हूँ, मैं अर्थ में रहता हूँ। एंड मैं इंडिया नाम की एक कंट्री, एंड इंडिया में एक मुंबई नाम की सिटी में रहता हूँ। एंड मुंबई के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताना नहीं पड़ेगा, बहुत तुम लोगों को पता होगा मुंबई के बारे में। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत वियर्ड है, एंड अभी इसका नाम नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, व्हाई यू स्पीक एलियन लैंग्वेज? मैं पहले तुमको बताता हूँ भाई, पहले अपना नाम दे। एंड अभी ये देखो, ये होती है एलियन लैंग्वेज। तुम लोग
लोग को नहीं समझ में आया इन एलियंस ने क्या बोला। अगर तुम लोग एलियन नहीं होते तुम लोग को ये नहीं समझ में आएगा। एंड अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसे हिंदी कहते हैं भाई, मुझे ऐसा लग रहा है उस बंदे को हिंदी नहीं आती इसलिए वो ऐसा कुछ बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में टीरेक्स गेमर पूछते हैं व्हाट इज योर यूट्यूब इनकम। मैं बता दूं मैं उसे अभी तक यूट्यूब से 0 रुपीज भी नहीं मिले, मतलब अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, बस मेरे 1000 सब्स हुए हैं एंड अभी मुझे 4000 वॉच टाइम आवर्स भी कंप्लीट करना पड़ेगा जैसा कि तुम लोगों को पता होगा। एंड शॉर्ट्स में वॉच टाइम आवर्स मिलते ही नहीं है, लेकिन मैंने एक प्लान बना रखा है। पहले मैं अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करूँगा एंड आई होप कि वो मेरी लॉन्ग वीडियोज़ भी देखे एंड उससे मुझे वॉच टाइम मिले, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, इसलिए प्लीज़ उसको वॉच टाइम दिया करो एंड अच्छे से सपोर्ट भी दिया। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर एलियन ने पूछा एंड वो पूछा क्यू एंड ए, ब्रो आपकी पूरी यूट्यूब हिस्ट्री बताओ। तो मेरी पूरे मैं यूट्यूब पे मुझे ऑलमोस्ट 8 to 9 months हो चुका है आके, मतलब चैनल बना के कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से। अभी तुम लोग चेक करोगे तो मेरी मैं अभी 23 मार्च को ही ज्वाइन हुआ था 2021 में। ये मेरा सेकेंड चैनल है क्योंकि मेरा जो फर्स्ट चैनल है वो यूट्यूब ने विदाउट एनी रीज़न बैन कर दिया था। अब मुझे नहीं तुम लोगों को जैसा मैंने बताया कुछ रीज़न नहीं दिया एंड इधर तक कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने अपना सेकेंड चैनल भी बना दिया जिससे अभी मैंने माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स अपलोड करना स्टार्ट किया जिससे मेरे चैनल में रैपिड ग्रोथ आई एंड अभी तुम लोग देख पा रहे हो मेरा चैनल इतना 1K सब्स भी हो गए। सो गाइस आज की वाली क्यू एन ए के लिए इतना ही यार, बहुत कम क्वेश्चंस आए थे इसलिए छोटा ही क्यू एन ए बना, मुझे तो बहुत बड़ा बनाना था लेकिन नहीं यार अभी क्वेश्चन बहुत कम आए क्योंकि मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स डेड सब्सक्राइबर्स है 1K पे। अगर मेरे को 100 क्वेश्चन भी आ जाते तो बहुत सही था और मुझे क्वेश्चन ढूंढने भी बहुत मेहनत लगी थी। एंड नेक्स्ट क्यू एन ए शायद 2K पे भी आ सकता है अगर क्वेश्चन ज़्यादा आए तो। अभी इतने आए तो मैं नहीं बनाने वाला हूँ यार, इसमें बना मैंने क्वेश्चन ढूंढने बहुत मेहनत लगी। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो से सब वीडियोस के कमेंट्स चेक किया कुछ क्वेश्चन जैसा मिल जाए तो, इसलिए यार चलो अभी इस वीडियो को एंड कर लेता हूँ। तो गाइस आज की वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।